गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक चल रहा था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीएससी पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने तीन बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताए थे। एक तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ प्रूवमेंट भी बताया। मैंने पहले ही कहा हुआ था कि पेपर बिकॉज ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए उनके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रॉड का मोमेंट, एक तरीके से पता भी होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी बॉडी का किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन जब भी होगा तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार में नहीं कह सकते कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। और उसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको कहा भी था, जैसे रॉड है ऐसे घूम रही है, आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट आप कहेंगे कितनी रेडियस में रोटेट कर रही है, तो आप कहेंगे एल बाई टू रेडियस में रोटेट कर रही है, जबकि वो L बाई टू रेडियस में रोटेट नहीं कर रही है। उस रॉड के केवल दो पार्टिकल्स हैं जो L बाई टू रेडियस में रोटेट कर रहे हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या हैं? बाकी सारे पार्टिकल्स तो L बाई टू से कम रेडियस में, जो यहां का पार्टिकल है जो, और एक पार्टिकल ऐसा है जो जीरो रेडियस में रोटेट कर रहा है, जो मिडिल में है वो तो जीरो रेडियस में रोटेट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में पूरी रॉड एज ए बॉडी कोई पर्टिकुलर रेडियस डायरेक्टली मालूम चल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और जब आपने मालूम किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो जब एवरेज रेडियस निकाली तो रॉड की एवरेज रेडियस L बाई टू नहीं आई, L बाई टू रूट थ्री आई। और उसके बाद जब आपने एक कॉर्नर से होकर के जो एक्सिस गई उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो उसमें L बाई रूट थ्री रेडियस आई, L नहीं आई। तो एवरेज रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ये सारी बातें हो गई थी, मैंने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, फिर रिंग का, उसके बाद डिस्क का, तीन बॉडी। चौथी बॉडी हेडिंग डालिए एमआई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से वही बात जो सिक्स नंबर लेक्चर में है, वही सेवन नंबर लेक्चर में भी है। रोटेशनल मोशन का ये तीसरा नंबर लेक्चर है, अदरवाइज ये अगर टोटल देखा जाए तो ये सेवेंथ नंबर लेक्चर है। क्लियर है? दो टर्न में, फर्स्ट सेकंड मैंने डैम्ड वाला बताया था, थ्री फोर में मैंने फोर्स्ड ऑसिलेशंस बताया था, और बाकी के फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ, ये सेवेंथ नंबर लेक्चर है। और इसमें हम आपको बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के, तीन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं ना कहीं वो वीडियो थोड़ा सा नहीं चल पाया था तो वो अब आपका उसमें है और वो चल भी रहा है, तो अब आप देख सकते हैं उसको। शायद कम देर का था, शायद 3 मिनट का ही केवल आप आया था, तो वो अभी हो गया। क्लियर है? तो इसमें देखिए एम आई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का एम आई कई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लो। ए नंबर, सबसे पहले ए लिखिए, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस कॉमा पासिंग थ्रू इट्स, अबाउट एन एक्सिस कॉमा पासिंग थ्रू इट्स। CM, center of mass, passing through its CM, and parallel to, its length, और इसकी length के parallel, center of mass से जाने वाला और उसकी length के parallel axis के respect में moment of inertia। देखिए figure, cylinder, cylinder और rod में basic difference है। सिलेंडर की विड्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा और उसकी विड्थ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक लाइन है, इसका सेंटर और इसका सेंटर मिला दीजिए, दोनों फेस सर्कुलर होंगे, और उसके बाद इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे। ये सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल सेंटर पर सेंटर ऑफ मास है। सपोज इस सिलेंडर की लेंथ है L, कैपिटल L, सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल R, सिलेंडर का टोटल मास है कैपिटल M। क्लियर? इस एक्सिस का कोई नाम डाल दें, सपोज ये नाम है A B, हालांकि एक्सिस की कोई लेंथ नहीं होती, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे ये बनाया गया, एक सिलेंडर बना सकते हैं ऐसा। ये देखिए ये सिलेंडर है, मान लो इसको ऐसे सिलेंडर मैंने बना लिया। क्लियर है? ये सर्किल, ये सर्किल, दूसरी बात सॉलिड सिलेंडर है,
सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से मास थ्रू आउट द वॉल्यूम है, कुछ भी पार्ट खाली नहीं है। इसके सेंटर से ड्रिल किया और यहां इस सेंटर से निकाल लिया। इसके बाद क्या करें, एक्सिस बनाने के लिए, जो एक्सिस बनाई है उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक पतला सा आपको वायर दे दिया गया। आप वायर को यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे, वायर को यहां से एग्जिट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, वायर का एक एंड उस दीवार से और वायर का दूसरा एंड उस पर्टिकुलर दीवार से कनेक्ट कर दे, तो ये सिलेंडर ऐसे लटक जाएगा। अगर हम इस सिलेंडर को फोर्स करें ऐसे, तो उसी वायर के अबाउट सिलेंडर क्या करेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा, ऐसे। क्लियर? तो सिलेंडर जब रोटेट करेगा, ये देखिए इसमें थोड़ा आसान रहेगा समझाना, ये सिलेंडर है, इस सेंटर से ये सर्किल है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है हर जगह सेम, इस सेंटर से इस सेंटर तक ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद एक वायर लिया और वायर को हमने यहां से इंट्रोड्यूस किया, यहां से निकाल लिया, वॉल से कनेक्ट कर लिया, आधा सिलेंडर वायर के ऊपर, आधा सिलेंडर वायर के नीचे, आधा सिलेंडर वायर के सामने, आधा सिलेंडर वायर के पीछे, ऐसा भी कह सकते हैं। फोर्स लगाइए तो सिलेंडर आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वायर टाइट है, तो सिलेंडर उस वायर के अबाउट, वायर के चारों तरफ क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, वायर के चारों तरफ सिलेंडर रोटेट करेगा ऐसे, यानी बॉडी बॉडी सिलेंडर है और सिलेंडर का नेचर क्या करने का है, रोटेट करने का। जिस बॉडी का नेचर रोटेट करने का हो या बॉडी रोटेट कर रही हो, पहली बात तो ये कि विदाउट एक्सिस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने ए हेडिंग पहले डलवा दिया और वो ये ए हेडिंग है। इतना पोर्शन डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि जो वायर आप कह रहे हो एग्जांपल के तौर पर, तो वो वायर जब सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे तो इतना पोर्शन वायर का नजर नहीं आएगा। क्लियर? करा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। लास्ट टर्न पर मैंने आपको डिस्क के बारे में बताया था, सबसे लास्ट में डिस्क किससे मिलकर के बनी थी, रिंग्स से। तो कोई एक रिंग उस पूरी डिस्क का क्या माना जा सकता है, एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे वॉल, दीवार, दीवार ब्रिक्स से मिलकर के बनती है, तो किसी एक ब्रिक को इस पूरी वॉल का क्या माना जा सकता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अलग अलग बनते हैं, यानी मान लो कोई, जैसे एग्जाम्पल में ऐसा इमेजिन कर लें कि एक एटम केवल प्रोटॉनों से बना, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन कौन सा ये डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई प्रोटॉन इस पर्टिकुलर एटम का क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। हालांकि एटम में तीन एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर आर नॉट, समझ में आ गया ये? तो ये कुल मिलाकर के पता करना है कि ये डिस्क किससे मिल, सॉरी ये सिलेंडर किससे मिलकर के बना हुआ है। देखिए ध्यान से, इस पूरे सिलेंडर को ऐसे ऐसे कट कर दें नाइफ से, चाकू से, इसको ऐसे कट किया, फिर बगल में, फिर ऐसे बहुत पतले पतले हमने पीसेस बना दिए। बताइए, जैसे ये घूम रहा था, ठीक है, और ये तार पड़ा हुआ, यानी अलग नहीं हो सकता, और उसी घूमते ही समय आप इसके पीसेस कर दीजिए, या सपोज इसके पीसेस पहले से थे, बहुत हल्के से चिपके हुए थे, और घूमते समय सारे पीस अलग अलग हो गए, पूरे तार में फैल गए, हर पीस कैसा दिखाई देगा, डिस्क दिखाई देगी, एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, एंड सो ऑन। यानी ये सिलेंडर किससे मिलकर के बना हुआ है, डिस्क से, बहुत सारी डिस्क मिलकर के इस सिलेंडर को बनाती हैं। कोई एक डिस्क ले लो, सपोज ये, कहीं भी ले लो पूरे में, कहीं भी एक डिस्क ले लिया, ये डिस्क ले लिया, इतनी विड्थ ले लो इसकी, डिस्क की, बिना विड्थ के डिस्क तो होगी नहीं, इतनी मोटाई की डिस्क ले लिया, दिख रही है? बताइए ये एक्सिस जो है, ये वाली, ये एक्सिस डिस्क है, कहां से जा रही है, सेंटर से, और इस, ये देखिए ये डिस्क है, ये डिस्क है, बात समझ में आ रही है, और ये एक्सिस है, डिस्क रोटेट कर रही है पूरे सिलेंडर को भूल करके। मान लो ये डिस्क है और इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास कितना है स्मॉल एम, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये कैपिटल आर, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर, मास स्मॉल एम, तो हम कह सकते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से मालूम है बॉडी नंबर तीन में, तो क्या मालूम है, द एम आई ऑफ एन एलिमेंट्री डिस्क बराबर क्या, मैंने बताया था स्मॉल एम कैपिटल आर स्क्वायर बटे दो,
करके डिस्क आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे पॉपिंस का पैकेट, हालांकि पॉपिंस में जो पीसेस होते हैं उनमें बीच में होल होता है, अगर उसको सॉलिड मान लें ऐसे ही, मतलब इमेजिन कर लें सॉलिड है, तो पूरे पॉपिंस को सिलेंडर मान लें अगर, तो जो एक एक पीस है वो किसकी तरह काम करेगा, डिस्क की तरह। सारे पीसेस के मास सेम और वो सारी पॉपिंस एक सिलेंडर के फॉर्म में आ जाती हैं जब इकट्ठा करके कलेक्टिवली उनको रखते हैं। सबकी रेडियस कैपिटल आर, सिलेंडर की भी रेडियस कैपिटल आर। पॉपिंस में, पॉपिंस के पीस में, पॉपिंस के पीस में विड्थ ना हो ये पॉसिबल नहीं, नहीं तो दूसरा कैसे रखोगे, तीसरा तो नहीं। अलग जो आने वाली आगे की जो पॉपिंस पीस होंगी वो पर्टिकुलर विड्थ के कारण आगे की तरफ जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर एक डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। बताइए दूसरी डिस्क, चलो यहां ले लिया, चलो यही ले लो किनारे से कर लें, ये भी तो डिस्क है, इतनी मोटी डिस्क है ये भी क्लियर दिख रही है। बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम यही, कैसे? डिस्क का मास स्मॉल एम, रेडियस कैपिटल आर, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, यहां तक जितनी डिस्क हैं सबके सेंटर से ये वायर जा रहा है, एक्सिस सेंटर से जा रही है, और डिस्क के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। डिस्क की विड्थ को नहीं मानते यहां पर, इसलिए मानेंगे क्योंकि डिस्क की विड्थ नहीं लेंगे तो पूरा सिलेंडर कैसे फॉर्म होगा, लेकिन हम विड्थ को बहुत स्मॉल मानेंगे। जैसे डीएक्स अगर विड्थ मान लें तो डीएक्स टेंड्स टू जीरो है, डी के फॉर्म में मानेंगे। क्लियर? हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? कोई बॉडी जिस तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हो, ये पूरा का पूरा सिलेंडर किससे बना हुआ है, डिस्क से। एक डिस्क कोई भी इस सिलेंडर का क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अल्टीमेटली सो द एमआई ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट द गिवन एक्सिस, एक्सिस ए बी इज कॉमा, नेक्स्ट लाइन से आई ए बी बराबर क्या? मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पर ही सब हो गया था, हालांकि वो वीडियो कहीं ना कहीं आज अपलोड हो पाया है, वो 18 मिनट का केवल था, तो वो आज पूरा 54 या 55 मिनट जो भी है तो वो हो गया। तो दोनों लेक्चर, पहले लेक्चर नंबर 6 को पढ़ेंगे, तब लेक्चर नंबर 7 को। अभी लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज पहले 6 को, बाद में 7 को, और बल्कि अगर रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ेंगे तो पहले 5 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को। क्लियर? सिग्मा एम आर स्क्वायर बाई टू, क्या चीज बाहर जाएगी जिसका सिग्मा होना नहीं है और जो कॉन्स्टेंट भी है, आर स्क्वायर बाई टू। सिग्मा स्मॉल एम, और ये कोई नई बात नहीं है, सिग्मा स्मॉल एम मतलब सारी डिस्क का मास सम किया गया, सिग्मा मीन समेशन। तो सारी डिस्क का मास जब सम हो जाएगा तो सिलेंडर का मास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू। इज दैट क्लियर आर नॉट? एक तरीके का प्रूवमेंट भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमिन करते हैं। ये इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से जाती है और उसके प्ले और उसकी लेंथ के कैसी है, पैरेलल, लेंथ के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस। इज दैट क्लियर? अगर ध्यान से देखें आप, एक सिलेंडर है, यही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी था, ये देखो लिखा हुआ है सामने, मतलब फॉर्म तो सेम है, मास डिस्क का कम है सिलेंडर का ज्यादा है, ये कोई जरूरी तो है नहीं। अगर आप कोई दूसरे टाइप के मटेरियल को लें तो मेन है फार्मूला, फार्मूले में डिस्क का मास डिस्क की रेडियस का स्क्वायर बटे दो बाई टू। इसका क्या मतलब हुआ, ये सिलेंडर है, इसको काट दीजिए, जैसे इतने तक काट दिया, इतना बड़ा सिलेंडर रह गया, फिर और कट करिए, लेंथ को कम करते जाइए, एक टाइम आएगा जब एक डिस्क बचेगी, और लेंथ का कोई रोल नहीं है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले में पर्टिकुलर। इसका मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिलेंडर जो है वो क्या है, मोटी सी डिस्क है, अगर उसकी मोटाई को कम करते चले जाएं तो फाइनली वो एक डिस्क ही बचेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब लेंथ से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए जरा, मान लो एक और एक्सिस ले लें, ये एक्सिस ले लिया, ये कौन सी एक्सिस है,
ए डैश बी डैश, आप थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बना लीजिएगा, ए डैश बी डैश, उसी फिगर में ये कौन सी एक्सिस है, सरफेस से एक एक्सिस जा रही है, यानी उसी तार, देखिए अंदर वाले तार को निकाला और चिपका दिया लेंथ के अलोंग, ऐसे ऐसे चिपका दिया, फिर क्या किया, एक इंड वायर का उस वॉल से और एक इंड वायर का उस वॉल से। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जब यहां से था सेंटर से तो मैंने कहा था आधा सिलेंडर ऊपर आधा नीचे, आधा सामने आधा पीछे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर वायर ये है ऊपर से चिपका हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बड़ा एग्जांपल देखें तो अगर मान लो वायर ये है ऐसे करके यहां चिपका हुआ, तो पूरा पूरा सिलेंडर ऐसे हैंग कर गया नीचे, पूरा पूरा सिलेंडर नीचे है ये चिपका हुआ है। अगर फोर्स लगा दें तो देखो क्या करेगा, सिलेंडर ऐसे पलट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ऐसे होल सिलेंडर ऐसे पलटेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर पलटेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करके। ये बात समझ आई या नहीं? कह रहा है बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप देखिए ध्यान से इसको, आई ए डैश बी डैश निकालना है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल। हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग लास्ट टर्म पर क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो मैंने एप्लीकेशन थ्योरम्स बताई हैं दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसमें ये पैरेलल एक्सिस की थ्योरम में बताया गया है कि अगर एक एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, दूसरी एक्सिस उसके कैसी है, पैरेलल, ए डैश बी डैश एक्सिस ए बी एक्सिस के कैसी है, पैरेलल, और ए बी एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, कैपिटल आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे, तो लिख लो इसमें बी नंबर हेडिंग है, बी नंबर हेडिंग अबाउट एन एक्सिस, और फिगर में बाद में बना भी लेंगे, सेम फिगर में जहां पर यह बनाया उसी फिगर में ये, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सरफेस, पासिंग थ्रू इट्स सरफेस एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। क्लियर, ये हेडिंग है यानी ए डैश बी डैश। तो लिख लो यूजिंग पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूजिंग पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट लाइन से आई ए डैश बी डैश इक्वस आई ए बी प्लस मास इंटू आर स्क्वायर, यही तो थ्योरम है। ए बी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, आई सी एम आप निकाल चुके हो पहले, प्लस टोटल बॉडी का मास कैपिटल एम, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन स्क्वायर कर दें एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। आई ए डैश बी डैश बराबर क्या आ गया, आई ए डैश बी डैश इक्वस थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। जरा एवरेज रेडियस को भी चेक करते जाइए हमेशा, एक्सिस बदली, जैसे ये एक सिलेंडर है, ये एक्सिस है, इस पे ऐसे चिपका हुआ है, जैसे कि एक वायर है एग्जांपल के फॉर्म में, ये वायर ऐसे चिपका दिया पैरेलल टू द लेंथ और उसके बाद वायर को ऐसे जोड़ दिया, ये टू आर डाया है, आर रेडियस है। अब की बार सिलेंडर पूरा पूरा हैंग कर रहा है नीचे, अगर आप ऐसे फोर्स लगाएं तो ऐसे पलट जाएगा पूरा पूरा, ऐसे उस वायर के चारों तरफ घूमेगा ऐसे करके, वायर जहां चिपका है वहीं चिपका रहेगा। अगर आपको ये इमेजिन करने को कहा जाए कि ये सिलेंडर बड़ा तेजी से रोटेट कर रहा है, जब आप दूर बैठ के देखोगे इसको सिलेंडर को रोटेट करते हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि एल लेंथ का सिलेंडर है, टू आर रेडियस का सिलेंडर है। रीजन, टू आर ऊपर, टोटल डाया हो गया फोर आर, यानी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि 2R रेडियस का सिलेंडर रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ वायर,
उस बार क्या लगेगा, जब सेंटर से एक्सिस जा रही थी, सेंटर ऑफ मास से जा रही थी, तो आपको ये देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसे रोटेट करें। तो पहले ऐसे रोटेट कर रहा था, जैसा सिलेंडर है वैसे ही दिखाई देगा, एल लेंथ आर रेडियस। लेकिन अगर वो वायर के रिस्पेक्ट में पलट गया ऐसे करके, ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, 2R रेडियस का वो सर्किल बनाने लगेगा। और अगर 2R, तो अगर देखिए पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, अगर ये कन्फर्म है कि किसी एक्सिस के अबाउट होल बॉडी R रेडियस का सर्किल बना रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या आना चाहिए था, MR स्क्वायर। अगर ये कन्फर्म है कि टोटल बॉडी 2R रेडियस का सर्किल बना रही है ऐसे करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, 4MR स्क्वायर। क्यों, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू 2R का स्क्वायर। लेकिन आया ये और आया ये, दो फार्मूले IAB IAB, इससे क्या पता चलता है, हम ये कह रहे हैं कि ये R रेडियस में घूमता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल R रेडियस में घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कैसे, आपका ध्यान केवल सरफेस देखने पर है और सरफेस के सारे पार्टिकल्स R रेडियस में घूम रहे हैं, अंदर के पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसके सारे पार्टिकल्स R रेडियस में घूम रहे हैं। गलत, अगर देखा जाए तो जो सिलेंडर के, सिलेंडर सॉलिड है, जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो R रेडियस में नहीं, R से कम रेडियस में घूम रहे हैं। और जो पार्टिकल इस वायर यानी एक्सिस पर रखे हुए हैं, भाई यहां से आपने ड्रिल किया, यहां से निकाल दिया, तो इस एक्सिस पर भी तो पार्टिकल्स हैं, तो वो जीरो रेडियस में घूम रहे हैं। तो अगर ये सिलेंडर बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो कुछ पार्टिकल ही केवल R रेडियस में घूम रहे हैं और कुछ थोड़े से पार्टिकल जीरो रेडियस में भी घूम रहे हैं, और बाकी कैसे हैं, R से कम, जीरो से ज्यादा। अगर आप एवरेज की बात करें, अगर आप एवरेज रेडियस निकालोगे, तो ये अंडरस्टूड है एवरेज हमेशा मैक्सिमा से कम आता है, मिनिमा से ज्यादा आता है। तो कैपिटल R से एवरेज कम आएगा और जीरो से ज्यादा आएगा, और ये अब पता चला मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर नहीं, कितना आया, MR स्क्वायर बाई 2। अगर आप एवरेज रेडियस की बात करें, तो M R अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे ही तो कहेंगे। सिग्मा के मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, या फिर अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलते, चेंज होते, तो इंटीग्रेशन के मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। सिग्मा मीन समेशन, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ समेशन। तो ये बराबर होता है एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के बराबर आ गया आर बाई रूट 2। तो जो एवरेज रेडियस होगी के, उसको आर बाई रूट 2 बोलेंगे, आर से ये कम है, अल्टीमेटली इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, बॉडी की रेडियस ऑफ जायरेशन, सिलेंडर की रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एन एक्सिस ए बी। अगर एक्सिस बदल जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब एवरेज रेडियस भी क्या होगी, चेंज। एग्जांपल देखिए, जब आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, जैसे ये सिलेंडर नीचे, तो ये ऊपर भी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जब ये घूमेगा ऐसे करके ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लगेगा कि 2R रेडियस का सर्किल बन रहा है, जबकि एक्चुअल में वो बन रहा है कितने का सर्किल, देखिए ध्यान से कितने का बन रहा है, एम बाहर ब्रैकेट आर अंडर रूट 3 बाई, एक मिनट, R अंडर रूट 3 बाई 2 एक साथ लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के बराबर क्या आ जाएगा, R अंडर रूट के अंदर 3/2, के बराबर क्या आ गया, R अंडर रूट 3/2। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये एवरेज रेडियस है, 2R रेडियस नहीं है। उसका भी रीजन बहुत क्लियर है, सारे पार्टिकल्स थोड़ी ना 2R रेडियस का सर्किल बना रहे हैं, सारे पार्टिकल जब इस ए डैश बी डैश के अबाउट निकालोगे, तो सारे पार्टिकल्स 2R रेडियस का सर्किल ही बना रहे हैं, केवल एक लाइन के पार्टिकल, ये वाली लाइन के पार्टिकल 2R रेडियस का सर्किल बनाएंगे, और जो तार जहां चिपका हुआ है वहां भी तो पार्टिकल्स हैं, तो वहां वाले पार्टिकल जीरो रेडियस का सर्किल बनाएंगे। तो जब एवरेज रेडियस आएगी, तो वो 2R से कम आएगी और जीरो से ज्यादा आएगी, और वो आ गई R रूट 3/2, 2R से कम आएगी और जीरो से, यानी R से कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगी, क्योंकि जीरो से 2R तक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्लियर। अब इसके बाद इसी सिलेंडर में एक सी और डी हेडिंग्स भी हैं, लिख लो इसको, एमआई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, फोर्थ नंबर बॉडी है, अभी तक आपने इसको पैरेलल घुमाया, ये दोनों एक्सिस फर्स्ट नंबर हेडिंग में मतलब रॉड में नहीं बन सकती। रीजन,
रॉड एक लाइन के फॉर फिजिक्स में रॉड का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे पार्टिकल्स अगर होंगे तो विड्थ होगी, अगर विड्थ होगी तो रॉड नहीं कहेंगे, इसलिए पैरेलल एक्सिस का कोई मतलब वहां पर नहीं है, केवल परपेंडिकुलर का मतलब है। अब जो एक्सिस बनेगी सिलेंडर के लिए वो वही वाली होगी जो रॉड वाली है। सी नंबर हेडिंग लिख लो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीएम, जैसे पहली हेडिंग थी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीएम एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, क्लियर है, एक सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। केवल नोट करिए, प्रूवमेंट से ज्यादा मतलब नहीं है, ये पर्टिकुलर वायर ऐसे करके कैपिटल एल लेंथ है, कैपिटल आर रेडियस है, सेंटर ऑफ मास है, कैपिटल एम मास है टोटल सिलेंडर का, और ये सिलेंडर डिस्क से मिलकर के बनता है, कोई डिस्क इस सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्टिकल भी बन सकती है, क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, इस एक्सिस का कोई नाम डाल दें, सी डी, इस एक्सिस का नाम मैंने क्या डाल दिया, सी डी। तो आई सी डी बराबर, जब हम कैलकुलेट करते हैं, पहली बार तो इंटीग्रल से आता है, जब कैलकुलेट करते हैं तो आई सी डी बराबर आएगा एम ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर बाई फोर प्लस कैपिटल एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, आई सी डी बराबर कैपिटल एम ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्लियर। इंटीग्रेशन के मेथड से पहले एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक, तब जाकर के आता है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है और किसी प्रूवमेंट की ऐसी जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो हम आपको करा रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि कैसे करा गया है इसको, तो ये फार्मूला है। चौथी एक्सिस डी नंबर, हाँ एक चीज और देख लो, अगर यही सिलेंडर रॉड बन जाए तो बताओ ये सिलेंडर रॉड कब बन जाएगा, जब कैपिटल आर की वैल्यू को जीरो लेना पड़ेगा, क्यों, रॉड फिजिकली हम उसको कहते हैं जिसमें विड्थ ना हो, इसीलिए मैंने पार्टिकल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक लाइन में अगर पार्टिकल्स रखे हुए तो वो रॉड है, रॉड में लेंथ तो होगी, सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच होगा, लेकिन विड्थ गायब, टू आर गायब, तो आर गायब, आर जीरो रख दीजिए, और पहले ही प्रूव हो चुका है आई जो भी नाम सी डी डाल दिया, वहां कुछ आई सी एम लिखा था, तो आई सी एम वहां कितना आया था, बराबर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्लियर है। डी नंबर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन इंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, और एक इंड से जा रही है, नाम डाल दिया सी डैश डी डैश, एक्सिस की कोई लेंथ नहीं होती, ये मैंने कई बार बोला है, आपको क्या निकालना है, आई सी डैश डी डैश, ध्यान से देखिए, सी डैश डी डैश जो एक्सिस मैंने बनाई वो एक इंड से जा रही है, लेंथ के परपेंडिकुलर है ये भी पता चल रहा है, लेकिन वो इस एक्सिस के पैरेलल है, और दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन है एल बाई टू, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है एल बाई टू, बहुत क्लियर सा पैरेलल थ्योरम लगाई जा सकती है। तो लिख लो इसमें डी हेडिंग में, फॉर दिस कॉमा वी यूज, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर दिस कॉमा वी यूज द थ्योरम ऑफ, वी यूज द थ्योरम ऑफ
पैरेलल एक्सिस, हम इसके लिए पैरेलल एक्सिस की थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कॉमा नेक्स्ट लाइन से आई सी डैश डी डैश बराबर आई सी डी प्लस, आई सी डैश डी डैश बराबर आई सी डी प्लस बॉडी का मास इंटू, बॉडी का मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, एल बाई टू का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, अप्लाई कर दिया। अगर सेंटर ऑफ मास एक एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अब पता चला सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा ही नहीं रही फिर भी पैरेलल ढूंढ रहे हैं, तो वो पैरेलल थ्योरम नहीं लग सकती। ठीक है, एल बाई टू आई सी डी पहले से पता है, दैट इज एम ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बटे चार। एम एल बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज एम एल स्क्वायर बाई फोर दैट इज इक्वल टू एम कॉमन ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर बाई थ्री आई सी डैश डी डैश बराबर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फर्स्ट बॉडी तुरंत याद आनी चाहिए। अगर इसको रॉड बना दें तो कैपिटल आर हो जाएगा जीरो, कैपिटल आर को गायब कर दिया, टेंस टू जीरो होता है क्योंकि रॉड में थोड़ी बहुत विड्थ तो होती है, लेकिन हम उसमें उतनी विड्थ केवल पार्टिकल की विड्थ है, उतनी विड्थ केवल और केवल किसकी है, पार्टिकल्स की विड्थ है। आर जीरो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और याद करिए एक इंड से जाने वाली और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री ही आया था। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर के बारे में है और ये फोर्थ नंबर बॉडी है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगला फिफ्थ नंबर बॉडी, एम आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर बिना एक्सिस के रोटेशन नहीं होगा। एक सॉलिड स्फीयर का एम आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का एमआई कैसे निकलेगा? विदाउट एक्सिस ना रोटेशन हो सकता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। तो लिखिए नंबर ए है अबाउट इट्स डायामीटर डी आई एम ई टी ई आर। एक डायामीटर के रिस्पेक्ट में सॉलिड स्फीयर का एमआई, क्वेश्चन राइज होता है कि सॉलिड स्फीयर किस टाइप का बनाएं। देखिए सिचुएशन क्या होती है, ये सॉलिड स्फीयर बहुत ध्यान से समझने वाली बात भी है क्योंकि आपको सब कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 3D देखना पड़ता है और फिगर 2D के अलावा आप बना नहीं सकते। ये सॉलिड स्फीयर, तो फिर सवाल है बोर्ड जिस पर पढ़ाया जा रहा है या कॉपी जिस पर पढ़ा जा रहा है वो कहां है? ये सॉलिड स्फीयर, कॉपी ये, बोर्ड ये, आधा स्फीयर बोर्ड के बाहर कॉपी के बाहर और आधा स्फीयर कॉपी के अंदर। तो फिर कॉपी पर ये देखिए, ये स्फीयर है, आधा स्फीयर कॉपी के बाहर आधा स्फीयर कॉपी के अंदर। तो सवाल है कॉपी पे क्या? कॉपी पे ये सर्किल, ये सर्किल लेकिन सफिशियंट है सब कुछ बताने के लिए। क्या सर्किल का सेंटर स्फीयर का सेंटर होगा क्योंकि ये सर्किल बीचों बीच वाला है। स्फीयर का क्रॉस सेक्शन कहीं से भी हो सर्किल ही बनेगा, लेकिन आधा स्फीयर बाहर आधा अंदर, तो जो ये सर्किल बना मिडिल वाला उसका सेंटर स्फीयर का सेंटर है, उसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस है। इज दैट क्लियर आर नॉट? तो इसलिए सर्किल बना करके उसको हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये सर्किल बना दिया मैंने, ये सेंटर ओ सर्किल का, गोले का नहीं, आधा गोला बाहर आधा अंदर, लेकिन जो सेंटर सर्किल का दिख रहा है वही सेंटर स्फीयर का भी है। एक चीज तो ये क्लियर। अब देखो आधा स्फीयर बाहर आधा अंदर, आधा अंदर वाला तो बिल्कुल नहीं दिखेगा सामने से, बाहर वाला तो दिखेगा कहीं ना कहीं, तो हमें इसमें दिखना चाहिए। तो कैसे दिखे, देखिए ध्यान से कैसे दिखेगा। हम गोले पे डिजाइन बना दें,
अगर हम ऐसी डिजाइन गोले पे बना दें, अब ये कह दो ये कैसी डिजाइन है, देखो कैसी डिजाइन है, ये गोला है, बोर्ड बीचों बीच है, आप गोले पे ऐसे करके सर्किल्स बना दो, तो जो आधे सर्किल इधर वाले वो तो नहीं दिखेंगे, ब्लैक मान लो व्हाइट कलर का स्फीयर है और ब्लैक से आपने इसमें सर्किल्स बना दिए ऐसे करके, तो जो ये सर्किल है ये आधे आधे जो गोले पे डिजाइन बना हुआ है वो इसमें ऐसा नजर आएगा, दरअसल ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, क्लियर। थोड़ा सा मैंने बताया किस तरह से बनाया गया, ये डाया है सर्किल का डाया, लेकिन जो सर्किल का डाया वही गोले का डाया, ये रेडियस है और ये सेंटर ऑफ मास है गोले का, कैपिटल एम मास। पूरी बात क्लियर हो गई। ये देखिए ये स्फीयर, इसको भी देखते जाइए, ये स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, रेडियस कहीं से भी मिला दो रेडियस ही कहलाएगी, और ये आपका बोर्ड है, ये आपकी कॉपी है, आधा स्फीयर बाहर आधा स्फीयर अंदर, क्लियर। एक पतला सा आपको वायर दिया गया और ड्रिल मशीन दी गई, आपने क्या किया ऐसे करके एक ड्रिल मशीन से ड्रिल किया, होल किया, होल ना करके हम पिन होल कहें ज्यादा अच्छा है, पिन होल किया, ठीक सेंटर से निकल जाना चाहिए। अब वो चाहे आप ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर से निकलना चाहिए। उसके बाद उसमें वायर डाल दिया तो ये डाया बन गया, लेकिन एक्सिस की तो कोई लेंथ होती नहीं, एक्सिस को बढ़ा दिया, एक्सिस की कोई, लेकिन याद रखेंगे ये एक्सिस एज ए डायमीटर है। अब अगर हम देखिए और टाइट कर दें वायर को, तो ये गोला ऐसे लटक गया, आधा ऊपर आधा नीचे वायर के, आधा सामने आधा पीछे। वायर एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं, क्लियर है। अगर फोर्स लगाएं तो ये स्फीयर आगे नहीं जाएगा, ऐसे करके रोटेट करेगा, और जब ऐसे करके रोटेट करेगा तो ये लगेगा कि कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर घूम रहा है, जैसा है वैसे ही दिखेगा, पहले रुका हुआ फिर घूमता हुआ। कितनी रेडियस का स्फीयर लगेगा घूम रहा है, कैपिटल आर रेडियस का। अगर ये स्फीयर गोला सॉलिड स्फीयर आर रेडियस में घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, एम आर स्क्वायर आई डाया बराबर। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कम पार्टिकल हैं जो आर रेडियस में रोटेट कर रही है। देखिए गोला, केवल ये वाले पार्टिकल आर रेडियस में घूम रहे हैं, इस सर्किल वाले, उसके बगल में भी सर्किल है, उसके बगल में भी सर्किल है, उसके बगल, ये सब क्या कर रहे हैं, आर से कम रेडियस में घूम रहे हैं, और ये दो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जीरो रेडियस में घूम रहे हैं। ये बात तो ही केवल बाहर की, अब जरा अंदर आइए, एक भी पार्टिकल कैपिटल आर रेडियस में नहीं घूम रहा होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, पार्टिकल तो अंदर भी है, पूरा सॉलिड है ये। ये जो लाइन है जिसको आपने डाया बनाया है, मान लो इसमें 50 पार्टिकल रखे हुए, एग्जांपल में पार्टिकल का नंबर कभी नहीं लेते, ये भी याद रखिए, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो ये 50 पार्टिकल डाया में रखे हुए हैं, बाकी बाहर तो पार्टिकल सही नहीं, वो तो आपने वायर को टाइट किया हुआ है। अगर ये 50 पार्टिकल्स हैं और जब ये गोला रोटेट करेगा तो ये 50 पार्टिकल्स जहां हैं वहीं रहेंगे, जीरो रेडियस में रोटेट करेंगे, और ये वाले पार्टिकल केवल ये बीचों बीच जो ये सर्किल बना मैक्सिमम रेडियस वाला, कैपिटल आर रेडियस वाला जो ये सर्किल बनाया, वही केवल पार्टिकल, मान लो 100 पार्टिकल है ये, तो 100 पार्टिकल क्या करेंगे, आर रेडियस में, अंदर का कोई भी पार्टिकल आर रेडियस में नहीं। अगर ये स्फीयर हमारा 10,000 पार्टिकल से बना है तो केवल 150 पार्टिकल ऐसे हैं जो आर रेडियस में घूमेंगे, कुछ जीरो में भी घूमेंगे, बाकी सब आर से कम में घूमेंगे, रोटेट तो सब करेंगे, एक्सिस वही है, सेम एक्सिस एज ए डायामीटर के अबाउट सारे पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। अगर आप एवरेज रेडियस की बात करें तो एवरेज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम आएगा, मिनिमम से ज्यादा आएगा, तो सारे पार्टिकल्स की जो एवरेज रेडियस आएगी वो कैपिटल आर से कम आएगी, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डाया बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर आप 11 क्लास की बुक को देखें तो एक पूरा चार्ट बना हुआ है, अलग अलग बॉडी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदलने पर बदलता है, बहुत सारी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो चार्ट कहीं ना कहीं आप अपनी फेयर कॉपी पे भी बनाइए और उसको रीड करिए। रीजन ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस में से दो चार तो आ ही जाएंगे, क्योंकि टोटल अगर 100 क्वेश्चन आए या जो भी आए उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आई डाया बराबर इतना। अब जरा ग्रेजुएशन वाला भी कुछ देखिए इसमें, ये तो आप डायरेक्टली वहां भी पढ़ते हैं। ये स्फीयर बना कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये सिलेंडर था, सेंटर से एक वायर डाल दिया था
और उसको रोटेट कराया था, तो सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा था? सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा था, ए बी एक्सिस के अबाउट याद करिए, क्लियर है? उसी समय कट कर दिया था तो आपने कहा था डिस्क बन गई, सारी डिस्क सेम टाइप की। पॉपिंस का पैक मैंने आपको बताया था कि हर पीस सेम टाइप का और डिस्क की तरह, और ये एक्सिस हर डिस्क के कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से। और हर डिस्क के प्लेन के कैसी है? परपेंडिकुलर। स्फीयर में आ जाओ, स्फीयर में क्या करें? एक तार लें, ऐसे इंट्रोड्यूस कर दें, तार घुमा दीजिए। अब उसी स्फीयर को उसी समय कट कर दो। मान लो सारे पीसेस चिपके हुए थे बहुत लाइटली, और जैसे ही ये घूमा सारे पीस वायर में फैल गए। बताओ हर पीस कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखिए कैसा दिखाई। ये डिस्क सबसे बड़ी, उसके बगल में छोटी डिस्क, उसके बगल में और छोटी डिस्क, उसके बगल, यानी पूरा स्फीयर किससे बना होता है? डिस्क से मिलकर के बना होता है। सिलेंडर भी डिस्क से बनता है, स्फीयर सॉलिड भी डिस्क से बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और एक्सिस देखो क्या हाल है, ये आपका स्फीयर है, जो ये बीच वाली डिस्क होगी इसी पे देख लो आप, ये बीच वाली सबसे बड़ी डिस्क यही है। ये एक्सिस बताओ उसके कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ मास से, उस डिस्क के, और उसके प्लेन के कैसी होगी? परपेंडिकुलर। लेकिन यही बात हर डिस्क के लिए भी होगी। ये एक्सिस है, सेंटर से जाएंगी हर एक डिस्क के और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें क्या है कि डिस्क का मास अलग अलग है। एक डिस्क पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस आर से लेकर के प्लस आर तक, तब जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है, और वो आता है 2/5 mr². इसमें मेन प्रॉब्लम मास को निकालने के लिए है। एलिमेंट्री डिस्क को ही मानेंगे, उसका मास कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा सा होता है। क्लियर है? नंबर बी हेडिंग डालिए। ये तो ए था ये हेडिंग अबाउट एनी डायमीटर। हाँ एक चीज और, डाया कोई भी हो, ये डाया हो, ये डाया हो, ये डाया हो, कोई भी डाया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। रोटेशन की डायरेक्शन बदल सकती है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं। नंबर बी है अबाउट एनी टेंजेंट, किसी टेंजेंट के अबाउट। देखो ध्यान से, टेंजेंट क्या है? ये स्फीयर है, ये टेंजेंट है, टचिंग लाइन, स्पर्श रेखा हिंदी में कहते हैं, ये टेंजेंट है। क्लियर? तो ये भी तो टेंजेंट है, ये भी तो टेंजेंट है, बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है, कहीं भी बना दो पूरे स्फीयर में कहीं भी। कह रहा है अबाउट एनी टेंजेंट घुमाइए। ये देखिए स्फीयर डिजाइन, ताकि ये स्फीयर लगे, सेंटर, रेडियस, मास, क्योंकि यही सेंटर ऑफ मास भी है स्फीयर का। सेंटर ऑफ मास, अगर स्फीयर में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डाया है, अगर ये डाया है तो ये टेंजेंट है, टच कर रहा है, क्लियर? अगर ये डाया है तो ये क्या है? टेंजेंट। डाया कहां से जाता है? सेंटर ऑफ मास से। क्लियर सा फॉर्मूला बन गया। बताइए बी हेडिंग में अबाउट एनी टेंजेंट में, आई टेंजेंट बराबर, आई टेंजेंट बराबर क्या आएगा? आई डाया प्लस बॉडी का मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr² 7/5 mr². और अगर आप एवरेज रेडियस देखें तो कैसे निकालोगे? m ब्रैकेट r अंडर रूट 7/5 का स्क्वायर बराबर m के स्क्वायर, m से m कट जाएगा, k बराबर क्या आएगा? r से ज्यादा, अंडर रूट 7/5। ये एवरेज रेडियस भी है, मैंने कई बॉडीज में साथ साथ बताया, कई क्या सभी में लगभग बता दिया। अब देखो जरा, अगर ये डाया बन जाए तो ये टेंजेंट बन जाएगा, अगर ये डाया बन जाए तो ये टेंजेंट, हर हाल में कोई ना कोई टेंजेंट डाया के पैरल। अब आप कहते हो ये टेंजेंट बना दें, उससे क्या फर्क पड़ना है? देखिए स्फीयर ऐसे घूम रहा है डाया के अबाउट, या स्फीयर ऐसे घूम रहा है डाया के अबाउट, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। रोटेशन की डायरेक्शन बदल रही है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही हाल टेंजेंट का, ध्यान से देखिए, ये गोला है, ये वाला तार निकाला, यहां चिपका दिया, एक सिंगल पॉइंट पर टच करना चाहिए, स्फीयर है,
एक पॉइंट पर टच कर गया। अब गोला पूरा पूरा ऐसे हैंग कर गया और ये वायर बड़ा टाइटली बंधा हुआ है, अगर हम ऐसे धक्का मार दें गोले को तो क्या करेगा गोला, उस वायर के अबाउट पूरा पूरा पलट जाएगा। अब बड़ा एब्सर्ड दिखाई देगा, ये स्फीयर पलट के इधर फिर ऊपर, या ऐसे देखिए इधर इधर से जो है फोर्स कर दिया ऐसे करके पलटेगा, 2R डाया है तो ऊपर भी 2R, लेकिन इधर की तरफ तो वही रहेगा ना, इधर की तरफ, यानी आप ये नहीं कह सकते 2R रेडियस का स्फीयर बनाएगा, स्फीयर तो तब बनाता जब इधर भी फैलता 2R, 4R इधर भी हो जाता 4R इधर भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एब्सर्ड टाइप का फिगर ऐसे बनाएगा घूमता हुआ, लेकिन याद रखेंगे कि जो एवरेज रेडियस होगी वो कोई 2R नहीं बन जाएगी, वो बनेगी R अंडर रूट 7/5, ये टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई भी टेंजेंट हो। अब देखिए नंबर 6 बॉडी, 6 नंबर लिखिए, एम आई ऑफ ए स्फेरिकल शेल, SPHERICAL स्फेरिकल शेल SHELL, इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय कोश। फिगर मैंने इस रफ नहीं किया, फिगर वही है, क्लियर। स्फेरिकल शेल देखिए क्या होती है, देखिए स्फेरिकल शेल जैसे कि आपको एक स्फेरिकल बैलून दे दिया जाए, स्फेरिकल बैलून अंदर से पूरा का पूरा खाली, दीवार के नाम पर बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन है केवल, ये अंदर से रेडियस आर, बाहर से भी रेडियस आर, क्यों, दीवार की जो विड्थ है, जो वॉल की विड्थ है स्फेरिकल सेल में वो एकदम गायब। हालो स्फीयर अलग बात है, स्फेरिकल शेल अलग बात है। हालो स्फीयर किसको कहते हैं, बाहर से ऐसा दिखाई दे मान लो स्फीयर, और अंदर से इतना पोर्शन जो है हालो हो, इतना केवल, बाकी सॉलिड हो, अंदर रेडियस आर वन, बाहर रेडियस आर टू, तो आर वन से लेकर आर टू तक सॉलिड है, वो कहलाता है हालो स्फीयर। स्फेरिकल शेल का मतलब पूरा खाली और वॉल भी बहुत थिन, अंदर से भी रेडियस कैपिटल आर, बाहर से भी कैपिटल आर। अगर आप इसको डाया के अबाउट घुमाएं, एम आई ऑफ ए स्फेरिकल सेल, छठी बॉडी है, 6 नंबर बॉडी, ए हेडिंग डालिए, अबाउट एनी डायमीटर, किसी डायमीटर के रिस्पेक्ट में, सेम फिगर बन जाएगा आपका, तो डिजाइन भी सेम, यस डिजाइन भी सेम। कैसे, अगर ये एक स्फेरिकल शेल है तो बाहर से तो आपको दूर से ऐसी दिख रही है, डिजाइन बनाओगे तो जो दिख रहा है वही दिखेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, भले ही मास यहां ना हो लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां होगा सेंटर पे, अगर सेम सिमेट्रिकली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर। डाया कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ मास से, अबाउट एनी डायमीटर, ए हेडिंग लिख लो, आई डाया बराबर होता है 2/3 mR². टू बाई फाइव के बजाय 2/3, और ये फार्मूले रोज तैयार करिए, उसका रीजन है 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर इन्हीं फार्मूलों से मिलेंगे जब ऑब्जेक्टिव होगा, 12 या 13 जनवरी से स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो जब भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुल मिलाकर के 1 month ही है आपके पास, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही तैयारी करिए, क्लियर। अब देखो जरा, कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल शेल है और ये डाया है, घुमा दिया, जैसे स्फीयर घूम रहा था वैसे ही घूमेगा, ये ऐसे करके पूरा पूरा ऐसे घूम जाएगा, कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल सेल घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये बात गलत है, क्यों, ये वाले पार्टिकल केवल कैपिटल आर रेडियस में घूमेंगे, उसके बगल वाले आर से कम, उसके बगल वाले आर से और कम, उसके बगल वाले, और यहां वाले दो क्या, वो तो जीरो रेडियस बनाएंगे, अंदर पार्टिकल नहीं है इसलिए अंदर की बात ही ना करिए, तो केवल दो पार्टिकल जीरो रेडियस का सर्किल बनाएंगे, 10-20 पार्टिकल, 50 पार्टिकल, 100 पार्टिकल मान लो ये हैं, तो ये आर रेडियस का सर्किल बनाएंगे, बाकी जितने सरफेस पर फैले हुए हैं वो सब के सब जीरो से ज्यादा और आर से कम रेडियस का सर्किल बनाएंगे। एवरेज रेडियस तो आर से कम आएगी ना, और ये कम दिख रही है कैसे, एम ब्रैकेट आर अंडर रूट 2/3, अंडर रूट पूरा पूरा है, होल स्क्वायर एम के स्क्वायर, तो के क्या आया, आर अंडर रूट 2/√3, आर से कम आया कि नहीं, अंडर रूट 2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, आर से लेस आएगा, क्लियर। अब आई टेंजेंट, नंबर बी हेडिंग डालिए, अबाउट एनी टेंजेंट, अबाउट एनी
टेंजेंट कॉमा फॉर दिस सॉरी अबाउट एन टेंजेंट में लिखिए फॉर दिस कॉमा वी यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम का यूज करते हैं और ये बड़ा आसान है एमआर स्क्वायर जुड़ जाएगा पिछले वाले में भी जुड़ा हुआ था आई टेंजेंट बराबर क्या आ जाएगा फिगर सेम है आई टेंजेंट बराबर आ जाएगा 5/3 एमआर स्क्वायर कैसे 2/3 एमआर स्क्वायर में एमआर स्क्वायर जोड़िए थ्योरम लगा करके आई डाया आई सीएम की तरह काम कर रहा है तो ये आ जाएगा 2/3 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर दैट इज 5/3 एमआर स्क्वायर और अगर आप एवरेज रेडियस निकालना चाहें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहें एक्सिस जब बदलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा और साथ में रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब एवरेज रेडियस ऑफ ऑल पार्टिकल्स बाय विच द बॉडी इज कंपोज्ड वो जो एवरेज रेडियस आएगी उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला मिलने के बाद मिलती है प्रूवमेंट होते हैं जैसे ये है कोई डायरेक्ट नहीं है अच्छा बताइए एक बताना क्या है मुझे को बताना पड़ेगा आप कौन सा सामने है ये देखिए एक सेल है अगर कट कर दें ऐसे करके इमेजिन करें कि कट कर दिया गया तो सारे पीसेस कैसे नजर आएंगे अब डिस्क नजर नहीं आएंगे अब रिंग नजर आएंगे ये रिंग बीचों बीच वाली ये इतनी मोटी रिंग सबसे बड़ी रिंग है आर रेडियस की उसके बगल वाली दो रिंग उससे छोटी यानी कि सेल किससे बनी हुई है रिंग्स से सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है डिस्क से एक बॉडी 6 नंबर की बॉडी थी ये एमआई ऑफ स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फीयर नहीं बता रहे एमआई ऑफ क्या बता रहे हैं 6 नंबर बॉडी है एमआई ऑफ स्फेरिकल शेल ये तो पहले की हेडिंग पड़ी हुई है क्लियर 7 नंबर बॉडी क्या है एमआई ऑफ ए हालो स्फीयर इसका प्रूवमेंट भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है यानी अगर सब्जेक्टिव पेपर भी होता तो भी हालो स्फीयर आप सॉल्व नहीं करते उसको डायरेक्ट यूज करते एमआई ऑफ ए हालो स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर केवल एक ही हेडिंग पढ़ते हैं अगर अबाउट एनी टेंजेंट आए तो थ्योरम लगा करके उसको निकाला जा सकता है अबाउट एनी डायमीटर देखो ध्यान से एमआई ऑफ ए हालो स्फीयर खोखला गोला एच ओ डबल एल ओ डब्ल्यू हालो स्फीयर देखो ध्यान से डायमीटर के अबाउट ये एक स्फीयर है ये उसका सेंटर है लेकिन इतना पोर्शन हालो है इतना बात समझ में आ रही है सेंटर पर ये R1 रेडियस है और ये रेडियस है R2 और इस स्फीयर देखिए ये मास है टोटल इसका ऐसे करके है स्फीयर क्लियर सेंटर ऑफ मास यही है O पे सेंटर ऑफ मास और पूरे स्फीयर का मास है कैपिटल M अंदर से रेडियस R1 और बाहर से और ये डाया है डाया कोई भी बना लो डाया तो कोई एक तो होता नहीं ये डायामीटर आई डाया बराबर होता है देखो घूमने के तरीके में कोई अंतर नहीं होगा जब ये रोटेट करेगा तो दूर से देख के नहीं पहचान सकते कि ये हालो स्फीयर है कि स्फेरिकल शेल है कि सॉलिड स्फीयर है वो तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग है सबके मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डाया बराबर है 2/5 जैसे कि सॉलिड स्फीयर में था एम जैसे कि सॉलिड स्फीयर में था ब्रैकेट आर टू टू दी पावर 5 माइनस आर वन टू दी पावर 5 अपॉन आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब ये आई डाया है अगर आप टेंजेंट की बात करें ये टेंजेंट जैसे यहां से टच करें ये टेंजेंट है मान लो अगर आप टेंजेंट की बात करें तो आई टेंजेंट बराबर ये कैलकुलेशन का सब्जेक्ट हो जाएगा आई टेंजेंट बराबर आई डाया क्योंकि डाया सेंटर ऑफ मास से जाता है प्लस बॉडी का मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन ये ज्यादा जरूरी है और बीच का सेपरेशन यहां कितना है आर टू तो मास ऑफ द स्फीयर इनटू आर टू स्क्वायर ये जोड़ेंगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बहुत परफेक्ट सा आंसर नहीं आएगा इसलिए इसको नहीं निकालते बाकी अगर जरूरत पड़ जाए तो निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड आई डाया बराबर ये अगर ये स्फीयर आपका सॉलिड स्फीयर बन जाए ध्यान से देखिए
इसको और छोटा कर दो स्फीयर को, थोड़ा कम हालो रह गया, जरा सा हालो रह गया, और छोटा करिए थोड़ा और कम हालो रह गया, बिल्कुल हालो ना हो, R1 की वैल्यू किसके बराबर, जीरो, पूरा सॉलिड हो गया, R1 की वैल्यू जीरो, तो रेडियस क्या रह गई सॉलिड की, R2। हालो स्फीयर अगर सॉलिड बनाना है तो R1 बराबर जीरो रख दीजिए, R1 हिस्सा, R1 रेडियस का सर्किल, सॉरी R1 रेडियस का स्फीयर हालो है, और वो R1 रेडियस कम करते चले जाइए, सॉलिड होता चला जाएगा और जीरो रेडियस पर परफेक्टली सॉलिड, R1 जीरो, R1 जीरो, R2 की पावर 5 बटे R2 क्यूब कितना बचेगा, R2 स्क्वायर, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, 2/5 m R2 स्क्वायर, और ये वही फार्मूला आ गया जो सॉलिड में था, वहां रेडियस R थी तो R आया था, यहां रेडियस R2 है तो R2 स्क्वायर आ गया। अब देखो जरा, खाली करो इसको, इतना खाली हो गया और खाली, पूरा खाली, यानी जो हालो पार्ट है वो R1 बराबर हो गया R2, और अब नाम ही बदल गया, स्फीयर नाम खत्म, स्फेरिकल शेल बोलते हैं उसको, अभी जस्ट इसके पहले वाला 6 नंबर बॉडी, R1 बराबर R2, 0/0, मतलब हालो स्फीयर की हेल्प से सॉलिड वाले को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बॉडी चेंज हो जाए स्फेरिकल शेल को भी इसी फार्मूले से याद कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो एक दूसरी बॉडी है, क्लियर। तो कुल मिलाकर के हालो स्फीयर को हम सॉलिड की तरफ जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल शेल की तरफ नहीं ले जा सकते, उसके लिए अलग मेथड से ही हम उसको सॉल्व करते हैं। सारी बॉडीज के देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके जो हैं वो कंप्लीट हो गए, क्लियर। एक और देख सकते हैं, 8 नंबर डाल दीजिए बॉडी, चाहे तो एक और देख लीजिए, रेयरली उसका भी चांस रहता है। एमआई ऑफ ए प्लेन रेक्टेंगुलर, एमआई ऑफ ए प्लेन रेक्टेंगुलर माने आयताकार, गुलर लैमिना, LAMINA, जैसे कि ये प्लेन रेक्टेंगुलर लैमिना, विड्थ गायब है इसका, MI, अबाउट एन एक्सिस, ए बी का सवाल नहीं, एक एक्सिस केवल पढ़ लेंगे बस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स EM, ये देखो पासिंग थ्रू, ये नीचे भी ऊपर भी नीचे भी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स EM एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये है, बात समझा गई। चलो यहां देख लो, ये लेमिना, ये एक्सिस, ये घुमा दिया, याद रखेंगे बुक में विड्थ भी है लेकिन हमने विड्थ को माना नहीं है, तब लेमिना मान सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फिगर बनाएंगे, ऐसी लेमिना बना दिया रेक्टेंगुलर। अब आप कह दो ये तो एंगल 90 बना नहीं, याद रखेंगे अगर आप एक्सिस भी दिखाना चाहते हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, कैपिटल एम मास है, ये लेमिना है याद रखेंगे, ये लंबाई है एल, कैपिटल एल स्मॉल एल कुछ भी मान लो, ये चौड़ाई है बी, और ये एंगल है 90, ये याद रखेंगे। दोनों चीजें बनी है, एक्सिस भी बनी हुई है और लेंथ ब्रेथ भी बनी हुई है, एंगल 90 देखिए, ये है पर्टिकुलर, विड्थ गायब, विड्थ होगी तो फिर लेमिना नहीं, ये एक्सिस है, दोनों अगर दिखानी है थोड़ा तिरछा करके इसको टू डायमेंशनल ऐसे बना सकते हैं, वैसे ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, घुमा दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखेंगे, आई इक्वस होता है सीएम के अबाउट, याद रखेंगे एक्सिस बताइए जरूर, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ सकते हैं, एक्सिस बदलती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, आई सी एम इक्वस एम ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया गया, अदरवाइज नहीं, जो बॉडीज मैंने बताई वही कुल मिलाकर के सफिशियंट है, क्लियर। लेक्चर नंबर 5, 6 and 7 रोटेशनल मोशन है, उन तीनों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, 5 पढ़ चुके हैं तो पहले 6 नंबर पढ़ेंगे उसके बाद 7 नंबर, क्लियर है। तो इसके आगे फिर आपको आगे हम बताएंगे नेक्स्ट टर्न पर, क्लियर। चलिए इस आज को यहीं खत्म करते हैं।